तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है टॉप बिहार पे, जहां पर मैं हमेशा आपके लिए भोजपुरी से जुड़े हर एक छोटे से बड़े खबरों को लेकर आते रहता हूं। गाइस, बात करेंगे भोजपुरी के ताजा खबरों के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा खबर। पहली खबर निकल कर आ रही भोजपुरी के चॉकलेटी सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू जी की तरफ से, जिनकी एक विवाहिक मूवी विवाह 2। यह विवाह 2 मूवी के एक सॉन्ग को आज रिलीज किया गया है, जिस सॉन्ग का नाम है कोयलर के जैसन। सुबह में 6 बजे रिलीज किया गया इंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगली खबर निकल कर आ रही भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर धनंजय की तरफ से, जिनकी एक सुपरहिट सॉन्ग परदेश इस सॉन्ग को आज ही रिलीज किया गया सुबह में 6 बजे यसी फिल्म के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगली खबर निकल कर भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी की तरफ से, जिनकी एक सुपरहिट बॉलीवुड सॉन्ग जिस सॉन्ग का नाम है पानी पानी, इस सॉन्ग को 6 तारीख को रिलीज किया जाएगा सारेगामा हम भोजपुरी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुबह में 11 बजे। अगली खबर निकल कर भोजपुरी के रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे जी की तरफ से, जिनकी एक सुपरहिट लगन स्पेशल सॉन्ग नाचे आइल बाड़ू, इस सॉन्ग को रिलीज किया जाएगा रिदी म्यूजिक वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुबह में 7:15 पर। अगली खबर निकल कर भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरोबा जी की तरफ से, जिनकी एक सुपरहिट मूवी दूल्हा हिंदुस्तानी, इस मूवी को 10 दिसंबर से सिनेमा घरों में चलाया जाएगा। अगली खबर निकल कर भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की तरफ से, जिनकी एक सुपरहिट मूवी एक दूजे के लिए 2, इस मूवी को 24 दिसंबर से सिनेमा घरों में चलाया जाएगा। अगली खबर निकल कर भोजपुरी के युवा सुपरस्टार अरविंद कला कॉलोजी की तरफ, जिनकी एक सुपरहिट मूवी विजेता, इस मूवी को 12 बजे 11 तारीख को चलाया जाएगा फिल्मची टीवी चैनल पर। अगली खबर निकल कर भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर प्रमोद प्रेमी यादव जी की तरफ से, जिनकी एक सुपरहिट सॉन्ग नैयर की पोशाक, इस सॉन्ग को आज ही रिलीज किया जाएगा सुबह में 7 बजे वे म्यूजिक के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, ये खबर सुनकर आप सभी को कैसी लगे एक बार कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए आप देख रहे टॉप बिहार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।